नमस्कार, मैं अजीत कुमार। इस जीव को देखकर आपको क्या लगता है, क्या यह नेवला है? जी नहीं, नेवले की तरह दिखने वाला यह जीव मीरकट है। जी हाँ, मीरकट। दरअसल नेवले और मीरकट एक ही फैमिली के जीव हैं। इस फैमिली का नाम है हर्पिस्टिडाए। इस फैमिली में कुल 23 प्रजातियां शामिल हैं, जो दक्षिण यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैली हुई हैं। और मीरकट इन 23 प्रजातियों में से सूर्यकांटा प्रजाति का जीव है। ज्यादातर यह दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक और कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। मीरकट अपनी स्टैंडिंग पोजीशन के लिए भी जाने जाते हैं। खड़े होने पर ये 9 से 12 इंच तक के हो जाते हैं। ये कार्निवोरस मैमल्स यानी मांसाहारी जीव होते हैं। ये ज्यादातर कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, छिपकली, घोंघे, चूहे, अंडे आदि खाते हैं। रूखे वातावरण में रहने के लिए प्रकृति ने इन्हें कई सारी चीजें दी हैं, जैसे इनकी आंखों के किनारे काले धब्बे जो सूरज की तेज चमक को सोख लेते हैं और देखने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही इनकी आंखों में एक मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली पाई जाती है, जिससे बिल बनाते समय इनकी आंखों में रेत या मिट्टी नहीं जाती है। इसी तरह इनके कान भी बिल बनाते समय ढक जाते हैं। इनके सूंघने की शक्ति बड़ी ही लाजवाब होती है। ये सूंघ कर पता लगाते हैं कि इनका शिकार किस तरफ है, और जैसे ही पता चलता है ये झुंड बनाकर उस तरफ चल पड़ते हैं। और शिकार करने के लिए लगभग 4 वर्ग मील को अपनी होम टेरिटरी बना लेते हैं और भोजन के लिए उस जगह को पूरी तरह से खोद डालते हैं। उसके बाद वे दूसरे भूभाग पर चले जाते हैं। इसी तरह खोदते और शिकार करते ये आगे बढ़ते हैं और वापस अपनी पहली एरिया में, यानी कि जहां वो पहले खोदे रहते हैं, वहां वे एक सप्ताह बाद फिर वापस आते हैं। बात करें इसके जनन क्षमता की, तो एक मादा मीरकट 1 से 8 बच्चे दे सकती है, लेकिन अक्सर ये 3 से 4 बच्चे ही देती है। और इनकी उम्र स्वतंत्र रहकर लगभग 8 वर्ष की होती है और चिड़ियाघरों में ये 13 वर्ष तक जीते हैं। इस समय मीरकट की संख्या पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन शिकारी पक्षियों जैसे कि बाज आदि और जमीन पर सांप आदि इनका शिकार कर लेते हैं। यह जीव और इसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।